भिवंडी की 78,000 महिलाओं को मिलेगा लाडली बहन योजना का लाभ। बैंकों में आधार लिंक के लिए उमड़ा हुजूम। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र व तालुका से 82,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए हैं। पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु चयन समिति की स्थापना की गई थी। प्रशासक अजय वैद्य के निर्देशानुसार आयोजित इस समिति की पहली बैठक मनपा मुख्यालय के सभागार में हुई। शहर व तालुका से कुल 82,493 लाभार्थी महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 77,995 लाभार्थी महिलाओं का आवेदन मान्य किया गया है। यह जानकारी जनसंपर्क विभाग ने दी है। भिवंडी पूर्व में विधानसभा समिति के अध्यक्ष संजय काबुकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायक महेश चौगुले, अतिरिक्त आयुक्त विठल ढाके, समाज कल्याण उपायुक्त डॉक्टर अनुराधा बावर, सदर समिति सदस्य भिवंडी पूर्व समिति सदस्य भिवा पाटिल, नमिता शेखावत, सदस्य सचिव बालाराम जाधव, अर्चना नागले, शानू बैग, नितिन पाटिल, विभाग प्रमुख नीतीश चौधरी, जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले उपस्थित थे। अध्यक्ष के सुझाव के अनुसार उन सभी लाभार्थी महिलाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं। जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उनसे संपर्क कर दस्तावेजों को जमा करने का निर्देश दिया गया। अब तक 93% आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, 4,000 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। अधूरे दस्तावेजों वाले कुल 3,803 आवेदन लंबित हैं, जबकि 5,028 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। अतिरिक्त आयुक्त विठल ढाके ने बताया कि सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य में लाडली बहना योजना लागू होने के बाद से इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। वसई विरार के बैंकों के बाहर योजना का फॉर्म भरने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोई पैसे निकालने आ रहा है तो कोई अपना आवेदन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए बैंक पहुंच रहा है। कई महिलाओं के खाते आधार पैन कार्ड लिंक व KYC अपडेट नहीं है, इस कारण फॉर्म मंजूर होने में परेशानी हो रही है। हालांकि बैंक प्रबंधन द्वारा महिलाओं की मदद करने के दावे किए जा रहे हैं। नाला सुपारा पूर्व में गाला नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। सुबह से ही महिलाएं लाइन में खड़ी थी। सीनियर मैनेजर आनंद चव्हाण ने बताया कि बैंक में 30,000 से अधिक अकाउंट जीरो बैलेंस वाले हैं। इनमें कई लोगों के KYC व आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है, इसकी वजह से महिला खाता धारकों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार इस योजना के लिए नेशनल बैंकों में ही रकम ट्रांसफर कर रही है। लाभार्थियों को मार्गदर्शन करने में बैंक कर्मी सहयोग कर रहे हैं। 2 दिन में 1.5 लाख से अधिक फॉर्म जमा किए गए हैं, जबकि 10,000 से अधिक खाते फिर से शुरू किए गए हैं। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।